हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या आप बिना किसी रीजन के, बिना किसी बीमारी के दिन भर थकावट महसूस करते हैं? दिन भर आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है? क्या आपको दिन भर थकावट लगती है? सोने के बाद में भी, उठते टाइम पे सवेरे अर्ली मॉर्निंग में भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूं या मैं बहुत परेशान हूं, दिन भर टायर्ड हूं? तो देखिए, इसका रीजन क्या है क्या नहीं, इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये आर्टिकल के अंदर अपन ने लिया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस MDPI स्विट्जरलैंड से, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन US ट्रस्टेड सोर्स से, हेल्थलाइन, स्टार पल्स और डव एक्सप्रेस से इंफॉर्मेशन ली है। ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। देखिए, बेसिकली अगर आपको दिन भर थकावट महसूस हो रही है या बिना किसी रीजन के स्ट्रेस महसूस हो रहा है, दिन भर टेंशन महसूस हो रहा है, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा बींज है सभी एंडोक्राइनल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए। इस बींज के वजह से आपको बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, डिप्रेशन, बॉडी एक, हेडेक, स्लीप प्रॉब्लम, पेट का हाजमा ठीक नहीं होना और सभी प्रकार के डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल और एंडोक्राइनल प्रॉब्लम। तो इसके कॉजेस क्या है अपन देखेंगे। फर्स्ट कॉज है स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी थोड़ा ना बहुत स्ट्रेस रहता है। ये आज की कंडीशन और आज के जनरेशन में सब कॉमन है कि स्ट्रेस रहना, मगर ओवरथिंकिंग है या ओवर स्ट्रेस लेना है, भाई मेरे से इसने बात ही क्यों नहीं किया, इसने मुझे देखा इच क्यों, ये जो है ये ओवर थिंकिंग है। या फिर कोई आदमी आपको निग्लेक्ट करता है तो वो निग्लेक्ट क्यों करता है, उसके पीछे बार बार सोचते रहना और उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करना, ये सबसे बड़ा रीजन है लिथार्जी, फटीक या थकावट महसूस होने के लिए। इससे आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक 20 मिनट मेडिटेशन करना है, 20 मिनट आत्मचिंतन चिंतन करना है, मेडिटेशन करना है। और उसके साथ साथ आज के कंडीशन में अपन जो है ब्रेन से ज्यादा एक्टिव है, दिन भर आंखों का काम है, दिन भर दिमाग का काम है। अपने पूर्वज जो थे, जो खेती बाड़ी में काम करते थे, उनको फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा था, इसके लिए उनको कार्ब्स की ज्यादा मदद लगती थी, उनको काम ज्यादा करना पड़ता था, उनको मसल्स की ज्यादा जरूरत होती है। मगर आज जैसा कि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या ऑफिस वर्क्स है, या वर्किंग लेडीज भी है, तो उनके लिए दिमाग का स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। दिमाग के लिए आपको प्रॉपर डाइट में लेना चाहिए, जैसा कि आप अखरोट, अंजीर, ऐसे ब्रेन टॉनिक्स जो हर्ब्स जो होते हैं या ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, इसके साथों साथ शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी चूर्ण, ये आयुर्वेदिक हर्ब्स आप आपके डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी कम होगा और आपकी बॉडी को फिट भी रखेगा। दूसरी बात, पुअर डाइट। आज की कंडीशन ऐसी हो गई कि जो कॉमन जनता जो है वो कार्ब्स के ऊपर ही ज्यादा निर्भर हो रही है, बस रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, बस इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं खा रहे। तो ये एक फेड आ गया है कि भाई कॉमन जनता जो है वो सिर्फ कार्ब्स खा रही है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। दूसरा जो है, कुछ कुछ ऐसे है जो कि ओबेसिटी कम करने के लिए या फिटनेस फ्रीक्स जो है वो एक तो प्रोटीन के ऊपर एक्सेस पे बर्डन डाल रहे हैं या प्रोटीन पाउडर्स वगैरह ऐसे चीजें जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ये भी गलत है। तीसरा है कि कीटो डाइट, वेट लॉस के लिए कीटो डाइट का फॉर्मूला निकल गया, जिसके अंदर फैटी फैट लेते हैं, कार्ब्स और प्रोटीन्स की संख्या जो है वो बहुत कम करते हैं, इसके लिए ये भी गलत है। तो आपको जो है एक प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसके वजह से आपको क्या होगा कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी होंगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सिंपल कार्ब्स पे निर्भर रहते हैं, शुगरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, यानी कि जंक फूड्स या ऐसे कुछ चीजें लेते हैं जो सिंपल कार्ब से बनते हैं, ऐसे चीजों के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन पीक निर्माण होता है। वो इंसुलिन पीक जो है वो आगे चल के प्री डायबिटिक स्टेज, डायबिटिक स्टेज, आपके एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स, आपको ब्लड शुगर वगैरह, बीपी वगैरह बढ़ा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर ओवरऑल बैलेंस डाइट विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है। ये YouTube पे काफी सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बैलेंस डाइट किस तरह से लिया जाए, तो ये आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि आजकल का जो कंडीशन है कि चाय है, कॉफी है, या सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या एरिएटेड ड्रिंक्स है,
ये जो है ये काफी मात्रा में लोग ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ है कि उसका जो इफेक्ट होता है जो भी है, ये है सभी प्रकार के स्टिमुलेंट, कॉफी में कैफीन आ गया, चाय में टैनिन आ गया, इसमें शुगर आ गई, या कैफीन वाले भी स्ट्रिंग वगैरह ऐसे कैफीन वाले भी ड्रिंक्स आते हैं। तो ये जो कैफीन जो है या एक्सेस ऑफ टैनिन कैफीन या नर्वो स्टिमुलेटिंग ड्रग्स जो भी यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कुछ पीरियड के बाद में चाय पीने के बाद में एक पीक आता है जिसके अंदर आपको लगता है कि एनर्जी लेवल मेरा बूस्ट हो गया है, मैं फ्रेश हो गया हूं, मेरे को काम करने की ज्यादा ताकत आ गई। मगर एट द एंड ऑफ द डे आप जब रात को सोते हैं तो वो कैफीन और टैनिन या जो भी एरिएटेड ड्रिंक्स के अंदर के शुगर है ये सब जाने के बाद में आपको मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आपको वीकनेस फील होता है, टायर्डनेस फील होता है और आपको थकावट फील होती है। तो इसके लिए करना क्या है, चाय कॉफी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, उसके साथ उसको अलावा एक आध बार हफ्ते में एक आध बार नारियल पानी पी लिए, शुगर केन जूस पी लिए या फ्रूट जूस पी लिए, या मट्ठा जो है, मट्ठा आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो मट्ठा आप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ये सब चीजें ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी कि बॉडी के अंदर पानी का कम मात्रा में इस्तेमाल होना। अब पानी जब कम होगा तो उससे उससे डिहाइड्रेशन की लेवल बढ़ जाती है जिसके वजह से आपके अंदर कमजोरी महसूस होती है। तो डिहाइड्रेशन, जैसे कि आप एक्सेसिव कुछ गेम खेल लिए या एक्सेसिव हीट में रह गए या आप यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो आपने एक एडवोकेट अमाउंट ऑफ पानी आपने दिन भर में पीना चाहिए जिसके वजह से प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है ओवरवेट और ओबेसिटी। जो लोग ओवरवेट होते हैं या जो लोग ओबेस होते हैं वो जो है वो कोमॉर्बिड होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। उसके अलावा जो लिथार्जी पना है, जो फटीक है, जो टायर्डनेस है, ये भी उनके बॉडी में रहता है। तो इसके लिए करना क्या है, आपका प्रॉपरली वेट मेंटेन करने की कोशिश करना है, कम से कम 45 मिनट्स की ब्रेस्ट वॉकिंग करना है या कार्डियो एक्सरसाइज करना है, साथ में एक बैलेंस डाइट लेना है जिसकी वजह से आपका ओबेसिटी भी कम हो और लिथार्जी भी कम हो। नेक्स्ट है बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसकी डेफिशिएंसी। एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का पेपर पब्लिश हुआ था, एक साइंटिफिक क्लिनिकल एविडेंस है जिसके अंदर अगर आयरन तत्व यानी लोह तत्व आपके अंदर कमी है, आपको अनीमिया है तो भी आपको आपको B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, जो भी बारीक बारीक न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को एसेंशियल रहते हैं, अगर इसकी कमी है तो भी आपको थकावट महसूस हो सकती है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है बिना किसी रीजन के। ठीक है, अगर आयरन की ज्यादा मात्रा में कमी हो तो आपको एनीमिया डेवलप होगा, ये डेवलपिंग के लेटर स्टेज है, मगर अर्ली स्टेज में अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो आपको थकावट महसूस होती है। अब इसके लिए करना क्या है, आपके प्रॉपर फिजिशियन से बात करके आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कोई टैबलेट्स वगैरह आप चालू कर सकते हैं, या एट द लास्ट बैलेंस डाइट अगर लेते हैं आप, सीड्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ड्राई फ्रूट्स लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अगर ज्यादा करते हैं तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरे कुछ कॉजेज जो है कि अगर आप अल्कोहलिक है या ड्रग अल्कोहल डिपेंडेंट है या कोई ड्रग डिपेंडेंट है, आप अगर शिफ्ट में नाइट शिफ्ट वगैरह ऐसा काम करते हैं, अगर आपकी लाइफ सिडेंट्री है कि आपको कोई काम नहीं है तो भी बिना किसी काम के भी आपको थकावट महसूस होंगी, इसके लिए आपको एक्टिव बनना चाहिए। आपने कम से कम 45 मिनट का ब्रेस्ट वॉकिंग, 20 मिनट का मेडिटेशन एक दिन में एक घंटा आपके बॉडी के लिए देना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, कुछ स्टेरॉइड्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, ऐसे कुछ टैबलेट्स भी है जिसके वजह से आपको लिथार्जी महसूस होंगी, आपको थकावट महसूस होती। अगर कुछ मेडिसिन आपको चालू है तो आपके डॉक्टर से बात करके वो मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट या उसको क्या कर सकते हैं ये आपका आपको देखना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वायरल या पोस्ट वायरल, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद में आपको थकावट महसूस होती है, जिसके अंदर अपन हड्डी का बुखार जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है, तो हड्डी का बुखार या वायरल या पोस्ट वायरल, यानी कि वायरल वायरस आपको जिस्म को लग के चले गया उसके बाद में जो उसके साइड इफेक्ट्स या उसके इफेक्ट्स जो तुम्हारे बॉडी में रहते हैं उसके वजह से तुम्हारे इम्यून सिस्टम जो है वो हैम्पर होती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति हैम्पर होती है, उसके वजह से भी आपको लिथार्जी
महसूस होती है, इसके लिए क्या करना है आपको, प्रॉपरली एक्टिवली एक्सरसाइज करना है। मनुका या खजूर आप ले सकते हैं जिसके अंदर से आपके हड्डी का बुखार कम होंगे, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, कुटज है, कुटज घनवटी है, ऐसे बहुत सारे इम्यूनिट वगैरह सिरप भी आते हैं, वो आप ले सकते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन कम हो और आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी हो। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आप बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए किस डिसीज पे, किस बीमारी पे आपको वीडियो चाहिए, मैं इंशाल्लाह वो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।